हेलो बच्चों, हम लोग जे एडवांस का पेपर टू सॉल्व कर रहे हैं। तो पेपर टू का जो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप का है ना, एक स्क्वायर शेप का एक बॉक्स है जिसके अंदर कोई मटेरियल भरा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3 दे रखा है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है और इसके एक एज से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है और बिल्कुल इसके सामने एक दूसरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर जब इस सिस्टम को देखेगा तो इसे दो इमेज दिखाई देगी, है ना। एक ऊपर वाले सरफेस के कारण जो रिफ्रैक्शन होगा उसके कारण एक इमेज दिखाई देगी और जो नीचे वाला सरफेस है उससे जो रिफ्रैक्शन होगा उससे दूसरी इमेज दिखाई देगी। तो ये जो डॉट है ये पहला इमेज है, ये डॉट जो है ये दूसरा इमेज है। हमें इनके बीच का इमेज का इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो देखें इस क्वेश्चन में जो है ना, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के भी है कि इसमें ये नहीं ठीक ठीक बता रखा है कि जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर जो है वो क्या इस सिस्टम के बहुत पास है या इस सिस्टम से बहुत दूर है ना, ऐसा कुछ बता नहीं रखा है इसमें, ठीक है। तो मे बी अगर हम इसमें एक केस ये माने है ना कि ये जो ऑब्जर्वर है अगर ये सिस्टम के बहुत पास है ना, अगर हम लोग इस केस को कंसिडर करें और इसको कंसिडर करके अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है हमने यहाँ पर एक छोटी सी ज्योमेट्री की है, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री को हम लोग देखेंगे। देखिए ये हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इस वाले अब ऊपर वाले सरफेस की बात करते हैं। अगर ऊपर वाले सरफेस की बात करें तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला सरफेस हमने जो है ये सरफेस हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये सरफेस हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ए बी जो है ये हमारा सरफेस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से हम लोग दो रे कंसिडर करते हैं। एक रे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे, लाइन ऑफ साइट के लॉन्ग लेंगे। तो लाइन ऑफ साइट के लॉन्ग जब एक रे लेंगे तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये जो है ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये जो है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ए बी जो है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, ये इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया। अगर हम बात करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम अल्फा बोलते हैं। और ये रे बेंड होकर के इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो ये जो एंगल थीटा है, थीटा जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रे बेंड होकर के इस तरफ चला गया। अब हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट से एक दूसरा रे लेते हैं जो कि एक छोटे से एंगल डी अल्फा पर है। तो छोटे से एंगल एक डी अल्फा पर एक दूसरा रे लेंगे और ये बेंड होकर के इस तरफ जाएगा। तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो एंगल है वो डी अल्फा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा था तो दूसरा एंगल वो डी अल्फा ज़्यादा पर है, तो दोनों के बीच का एंगल डी अल्फा हो गया। सिमिलरली जो है पहले वाले का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो थीटा है, तो जो दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं उनके बीच का जो छोटा सा एंगल है इसको हम लोग डी थीटा बोल रहे हैं। तो लेट्स से ये वाला जो एंगल है ये डी थीटा है। लेट्स से ये हमारा इमेज है, इसको हम लोग बोल देते हैं इमेज आई वन। तो यहाँ से देखें आई वन बी, तो ये डिस्टेंस जो आई वन बी है, आई वन बी इस डिस्टेंस को हम एक्स बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो आई वन बी जो डिस्टेंस है इसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ एंगल्स की बात करें, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा ये एंगल डेफिनेटली 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरा ये नॉर्मल है, तो ये अल्फ़ा जो होगा ये अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अब यदि हम थीटा देखते हैं, ठीक है, यदि हम थीटा देखते हैं तो यहाँ से ये वाला एंगल अगर हम देखें, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये कितना है, ये 45 है, ये 45 90 हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, अगर हम लोग इस वाले एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये एंगल डी थीटा है। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल की बात करते हैं, आई वन ए बी इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल अगर हम थीटा लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा 180 माइनस व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 90 माइनस थीटा। और ये एंगल डी थीटा जो है ये बहुत छोटा सा एंगल है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 90 प्लस थीटा। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 90 प्लस थीटा, हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब हम दो अलग अलग ट्रायंगल की बात करेंगे और इसमें साइन रूल एक एक करके लगाएंगे।
पहले हम बात करते हैं ओ ए बी की। पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ओ ए बी ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी की बात करें तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए बी डिवाइडेड बाय साइन डी अल्फ़ा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय साइन डी अल्फ़ा को हम डी अल्फ़ा लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि ये एंगल बहुत ही छोटा है। डिवाइडेड बाय, अब आपको पता है कि ओ से लेकर के बी तक ओ बी जो डिस्टेंस है ये 12 के बराबर है, तो 12 डिवाइडेड बाय है ना, 12 डिवाइडेड बाय। अब एक काम और करते हैं, हम ये एंगल और देखना चाहते हैं ओ ए बी। यदि मैं बात करूँ एंगल ओ ए बी की बात करूँ तो देखिए एंगल ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ओ ए बी की बात करें तो ये डी अल्फ़ा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ बी ए में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल अल्फ़ा के बराबर है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा के बराबर। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग डी अल्फ़ा लिखना चाहें, डी अल्फ़ा, तो डी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी ए बी साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 12। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल आई ए बी की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल आई ए बी की बात करेंगे, ठीक है। हमने पहले ट्रायंगल ओ ए बी की बात की थी, अब ट्रायंगल आई ए बी की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या लिखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे ए बी, यहाँ से लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय और ये जो एंगल है, ठीक है, अगर हम आई ए बी की बात करते हैं तो ये एंगल डी थीटा है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन डी थीटा, और साइन डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा बाय एक्स। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया, ठीक है। चले अब देखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो यहां पर अल्फा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है थीटा है। तो एक बार स्नेल्स लॉ लगा करके देखें, तो स्नेल्स लॉ लगा करके देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे म्यू वन इज 4/3 इंटू साइन अल्फा, ये बराबर हो जाएगा म्यू टू इज 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग दो काम करेंगे, एक बार तो अल्फा की वैल्यू रख करके और साइन थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, और एक बार इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, ठीक है। तो मे बी इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री कह देते हैं, और यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू साइन 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2√2/3। ये साइन थीटा आ गया। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3, साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं ना। अब क्या करें, अब एक काम हम लोग ये करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो ये मिलेगा 4/3, और साइन अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4/3 इंटू कॉस अल्फ़ा। मे बी अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू डी अल्फ़ा। डी अल्फ़ा की वैल्यू है ना, डी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, हो जाएगा ए बी साइन अल्फ़ा बाय 12। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय 12 इंटू साइन अल्फ़ा को 1/√2 लिख देते हैं,
इज इक्वल टू यहाँ नीचे लिख लें cos थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा को लिख देते हैं ए बी cos थीटा अपॉन x, तो ये हो जाएगा ए बी cos थीटा डिवाइडेड बाय x। यहाँ से देखिए ये ए बी और ए बी कट जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 1/3 है, cos थीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ से अगर हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू जो है ये 1/√2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। चले अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ओ आई वन बी की बात कर देंगे, ठीक है। हम बात करेंगे ट्राइंगल ओ आई वन, है ना, हम बात करेंगे ट्राइंगल ओ आई वन बी की बात करते हैं, ठीक है। ओ आई वन बी की बात करते हैं, अगर हम ट्राइंगल ओ आई वन बी की बात करें तो ध्यान से देखिए ये पूरा एंगल यहां से यहां तक थीटा है, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक अल्फा है, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा ना ये वाला, ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक्स है, तो अगर मैं डी बाई टू की बात करूं, ये डिस्टेंस अगर डी बाई टू है तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे डी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, अब साइन थीटा माइनस अल्फा को एक्सपैंड कर लीजिए, है ना, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, अल्फा भी 45 डिग्री है, एक्स की वैल्यू हमें जो है एक्स की वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने से मे बी 1/√2 नहीं आती है, एक्स की वैल्यू सॉल्व करने से यहाँ से 2 आती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से सॉल्व करने से क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 2 आएगी। और अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके यदि आप यहाँ से डी निकालेंगे ना तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1.73, है ना, 1.73, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं। सो दिस कुड बी वन ऑफ द आंसर, है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मे बी यदि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरह से सॉल्व करें तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, तो हम यहां पर क्या मान सकते हैं, अगर हम इसको दूसरे तरह से सॉल्व करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, ठीक है, यहां पर हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नॉर्मल इंसिडेंट की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मल इंसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कुछ यहां पर बनेगा, इमेज कुछ यहां पर बनेगा। तो लेट्स से अगर ये वाला डिस्टेंस अगर 12 होगा, है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर 12 हो जाएगा, और अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, इस वाले डिस्टेंस को यदि मैं x बोलूं तो x कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय रूट टू। दिस इज इमेज आई वन, ठीक है, और ये हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स इस पॉइंट को हम लोग P कह देते हैं। यदि मैं ओ पी आई वन लिखने की कोशिश करूं, पी आई वन, तो पी आई वन की वैल्यू हो जाएगी x बाय म्यू, है ना, x बाय म्यू हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय रूट टू, और म्यू हो जाएगा 4/3, है ना, 4/3, तो ये इसके साथ 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय रूट टू। तो 9 डिवाइडेड बाय रूट टू जो है ये पी आई वन की वैल्यू हो गई, है ना, पी आई वन की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय रूट टू। और यहाँ से यदि मैं ओ आई वन लिखना चाहूँ, यदि मैं यहाँ से लिखना चाहूँ कि ओ आई वन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12/√2 - 9/√2, तो यहाँ से लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय रूट टू - 9 डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये बराबर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय रूट टू। तो ये जो वैल्यू हो गई ओ आई वन, ये 3/√2 हो गई। अगर एक इमेज और मैं देखूँ यहाँ पर, तो एक दूसरा इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है, और लेट्स से अगर मैं इससे इसको ज्वाइन करके देखूँ, है ना, इससे इसको ज्वाइन करके देखूँ, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये ओ आई वन है ना, और ये अगर ओ आई टू है, है ना, ये अगर ओ आई टू है, और यहाँ से अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे y/2 है,
यानी ये आधा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y बाई टू है, तो y बाई टू किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से y डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा ओ आई वन डिवाइडेड बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा ओ आई वन डिवाइडेड बाई रूट टू, तो यहाँ से लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 3 बाई टू, ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा 3 बाई टू, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है ये हो जाएगा 3 बाय टू, ठीक है। चलिए तो ये हमने इसको दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है, सॉरी ये 3 बाई टू नहीं आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व करके 3 आ जाएगा। मे बी इसका एक तीसरा सोल्यूशन और पॉसिबल है, ठीक है, तो इसके तीसरे सोल्यूशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है ना, जो ऑब्जर्वर है वो बहुत दूर बैठा है ना, जो ऑब्जर्वर है वो बहुत ऑब्जर्वर बहुत दूर बैठा है, तो ऑब्जर्वर अगर बहुत दूर बैठा है और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि जो फाइनली जो है फाइनली ये रेज जो है ये पैरेलल हो जाए, फाइनली ये रेज पैरेलल हो जाए, और उसके बाद जो है हम कहते हैं कि इन दोनों रेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, लेट्स इन दोनों रेज के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो ये जो डिस्टेंस डी होगा यही इमेज के बीच का डिस्टेंस होगा यदि ऑब्जर्वर बहुत दूर बैठा है तो, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं, है ना, इस केस में अगर आप इस डी को सॉल्व करेंगे ना तो डी की वैल्यू जो है ये 4.49 आती है, 4.49 आती है अगर आप इसको इंटीजर में देखें, और ये कि जो कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी मतलब सिंपल सा नहीं है कि हम लोग हाथ से कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व करने से इतना आता है, तो जेई ने इसका दो आंसर दे रखा है, 4 भी दे रखा है 5 भी दे रखा है, ठीक है, एक आंसर हमने 3 दे रखा था निकाला था, तो जेई ने इसका दो आंसर दिया है 4, 5 और 3, ठीक है, और हमने एक आंसर 2 निकाला है वो ऑल्दो जेई ने उसका आंसर अभी 2 नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 2 जो है 2 भी एक करेक्ट आंसर है, ठीक है, अगर 4 और 5 और 3 मान रहे हैं तो 2 को आंसर मानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 2 शुड बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि हमारे पास है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, एक टनल है ठीक है, और इस टनल के अंदर एक ट्रेन पास हो रही है, इस ट्रेन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ST है, ठीक है, ऐसा करते हैं ना हम लोग ST को S लिख लेते हैं, ST को क्या लिख लेते हैं, S लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा ईजी रहेगा, तो हम लोग ST को S लिख लेते हैं, और ये जो टनल है, टनल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 4 times S है, टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया 4 times S है। अब यदि मैं ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो यहां पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये इस तरफ जा रहे होंगे ट्रेन की वेलोसिटी से, क्योंकि वो तो रेस्ट पे है, ठीक है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ट्रेन की वेलोसिटी से जा रहे होंगे, तो लेट्स से ट्रेन की वेलोसिटी जो है वो VT दे रखी है, ठीक है, ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो VT दे रखी है, और इस बीच में अगर मैं एयर की वेलोसिटी देखूं तो इस बीच में एयर की वेलोसिटी जो है वो कुछ हम लोग V मान लेते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, यदि ट्रेन आगे जा रही है तो ये आगे का एयर जो है ये पीछे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वाले बड़े वाले क्रॉस सेक्शन में और ये छोटे वाला क्रॉस सेक्शन, जो छोटे वाला क्रॉस सेक्शन है वो इसेंशियली देखिए क्या है, ये टनल का क्रॉस सेक्शन माइनस ट्रेन का क्रॉस सेक्शन, तो अगर मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन देखूँ तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो 3S के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं और मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इन दोनों पॉइंट पर जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ना, जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो सेम आना चाहिए, तो मे बी वॉल्यूम फ्लो रेट की अगर बात करें तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि A1 V1 जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा A2 V2 के बराबर हो जाएगा, तो एरिया यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 times S into यहां पर जो वेलोसिटी है वो VT के बराबर है, यहाँ पर जो एरिया A2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 3S, और वेलोसिटी को हम लोग V मान लें, ये S और S कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी V कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 times VT / 3 के बराबर, तो ये जो वेलोसिटी V है ये वेलोसिटी ऑफ एयर है ट्रेन और टनल के बीच में, VT जो है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट
में जो है एयर की वेलोसिटी है जो कि ट्रेन के सामने है। अब यदि हम दो पॉइंट अलग अलग लें, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो एयर की वेलोसिटी है, एयर का जो प्रेशर है वो पी नॉट दे रखा है, इस पॉइंट पर एयर का प्रेशर जो है वो पी दे रखा है, आपको जो है इस पी और पी नॉट का डिफरेंस बताना है कि पी नॉट माइनस पी कितना होगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये स्टीडी एंड लैमिनर फ्लो है, स्टीडी और लैमिनर अगर एयर का फ्लो होगा तो यहाँ पर हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर पाएंगे। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम लोग लिखें तो प्रेशर जो होगा वो पी नॉट के बराबर होगा प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वी टी के बराबर है, तो वी टी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब अगर मैं इस वाले पॉइंट पर देखूँ तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर पी हो जाएगा प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी को लिखेंगे 4 VT/3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम पी नॉट माइनस पी करना चाहें, है ना, तो पी नॉट माइनस पी करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा रो वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय, ठीक है, सॉरी, ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा रो वी टी स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। और इसको यदि हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट से कंपेयर करें, ठीक है, इसको यदि हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो जो n की वैल्यू है ना, तो n की वैल्यू 9 आ जाती है, n की वैल्यू जो है वो 9 आ जाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हाँ, दिया गया है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, है ना, दो प्लेट्स हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0.1 मीटर है, तो लेट्स से इस सेपरेशन को हम लोग डी कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 200 वोल्ट का हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है जिसका स्विच अभी ओपन है, और यहाँ पर एक छोटा सा होल है जहाँ से काफ़ी सारे जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं, चार्ज ऑयल के ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें नीचे गिर रहे हैं। जब ये ऑयल के ड्रॉप नीचे गिर रहे होते हैं तो उसमें आपने क्या किया, देखा कि भाई थोड़ी देर के बाद ये जो ड्रॉप्स हैं ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे उसके बाद आपने क्या किया, इस स्विच को बंद कर दिया। जैसे आपने इस स्विच को बंद किया इसके क्रॉस 200 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये होगा कि, है ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ऐसा होगा कि अगर मैं किसी एक ऑयल ड्रॉप की बात करूं, है ना, अगर मैं किसी एक ऑयल ड्रॉप की बात करूं तो ये ऑयल ड्रॉप रेस्ट पे आ गया, मतलब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स नीचे लग रहा होगा एम जी और एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा क्यू ए, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो है कितना चार्ज है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें टोटल फोर्स क्यू ई को यदि हम एम जी के बराबर करके देखें तो लेट्स से क्यू को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ हो जाएगा एन ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं वी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू मास, मास को लिखेंगे 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब देखिए इसमें आपको सब पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है, V जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है 200 के बराबर है, D जो है वो 0.01 मीटर है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, रेडियस जो है ना, रेडियस यहाँ पर दे रखा है 8 × 10⁻⁷, डेंसिटी यहाँ पर दे रखी है 900 kg/m³, G की वैल्यू जो है वो हम लोग 10 मान सकते हैं, और यहाँ पर दे भी रखा है कि G की वैल्यू 10 है। चलिए तो ये सारी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अगर हम N की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, है ना, तो ये n की जो वैल्यू है, ये n की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये अगेन एक सिंपल प्रॉब्लम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि हमारे पास एक हॉट एयर बलून है, ठीक है, और ये हॉट एयर बलून जो है पहले 100 मीटर की हाइट पर,
है ना, 100 मीटर की हाइट पर ये बलून जो है ये रेस्ट पे रहता है, इक्विलिब्रियम में 100 मीटर की हाइट पे रेस्ट पे रहता है। उस बलून में हमने क्या किया है, 1 kg मास के कई सारे पैकेट्स रखे हैं और धीरे धीरे करके एक एक पैकेट नीचे गिराते जाते हैं। जब हमने उनमें से कुछ पैकेट्स गिरा दिए तो वो जो बलून है वो 150 मीटर की हाइट तक ऊपर जा करके अब वो इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि कितने पैकेट्स हमने गिराए होंगे। एक बात इसमें और बताई गई है कि जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है ये हाइट के साथ कैसे चेंज होती है, ये भी हमें बताया गया है। यदि मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, क्योंकि अगर ये हमारा बलून है और इसके ऊपर अगर हम लोग फोर्सेस देखें तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे mg लगेगा, उसके ऊपर एक फोर्स ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा। यहाँ पर हम लोग जो है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसको हम लोग mg और बॉयंट फोर्स को बराबर कर देंगे। इस इक्वेशन को 2 बार लगाएंगे, ठीक है। एक बार तो हम लोग लगाएंगे 100 मीटर की हाइट पर जब 480 kg जो है वो बलून का मास है। एक बार हम लोग लगाएंगे 150 kg के 150 मीटर पर जबकि हमने उसमें से n kg बाहर गिरा दिया है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, mg को अगर हम लोग लिखेंगे तो mg को लिखेंगे 480 into g is equal to, ठीक है, बॉयंट फोर्स लिखते हैं। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम into रो 1 into g। अब हमने यदि इसमें से n kg गिरा दिया है तो ये हो जाएगा 480 माइनस n into g, ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम into रो 2 into g। अब यहाँ से ये v और v कट जाएगा, g और g कट जाएगा, ठीक है, ये g और g कट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 480 डिवाइडेड बाय 480 माइनस n, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा रो 1 डिवाइडेड बाय रो 2 के। ठीक है, रो 1 डिवाइडेड बाय रो 2 की बात करें तो रो 1 को क्या लिख सकते हैं, रो 1 को लिख सकते हैं रो नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस माइनस, अगर रो 1 की बात करें तो हाइट h1 की बात करेंगे। ठीक है, तो h1 कितना है, h1 100 मीटर है। ठीक है, तो चलो एक बार h1 ही लिख देते हैं, h1 डिवाइडेड बाय h0, ये हो जाएगा रो नॉट ई रेज टू पावर माइनस h2 डिवाइडेड बाय h0। तो ये रो नॉट और रो नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 480 माइनस n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e रेज टू पावर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा h2 माइनस h1 बाय h0। तो h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाय h0। अब अगर h2 माइनस h1 देखेंगे ना तो ये हो जाएगा h2 माइनस h1 इज 50, 150 माइनस 50 इज 50 डिवाइडेड बाय जो h0 है वो 6000 है, ये हो जाएगा 6000। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 480 डिवाइडेड बाय 480 माइनस n इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 120। ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब e रेज टू पावर 120 है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग e टू द पावर x का एक्सपेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 1 बाय 120 बहुत छोटा टर्म है तो इसके सारे हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दें। तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 480 माइनस n, इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120 है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो n की जो वैल्यू है यहाँ से है ना, यहाँ से जो n की वैल्यू है तो n की वैल्यू 4 आ जाती है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, 3.9 समथिंग आएगा क्योंकि हमें इंटीजर आंसर चाहिए तो हम लोग इसको 4 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम पे लेट से एक पार्टिकल है जिसका मास m मान लेते हैं और इस पर चार्ज q है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक डायपोल रखा है जिसके कारण ये पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में है। तो हमें बताना है कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखते हैं इस पार्टिकल का और देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। तो एक फोर्स इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में mg आ जाएगा,
इस डायरेक्शन में एक टेंशन टी आ जाएगा और इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई लिख देंगे। अब ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। और लेट्स से इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये इस एंगल की अगर बात करते हैं तो इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाय 2। तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस पर जो फोर्स है वो क्यू ई है, ठीक है। ये एंगल जो है ये अल्फा बाय 2 है, ये एंगल अल्फा बाय 2 है, तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो ये एंगल भी यहाँ से लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं बात करूँ कि एम जी के अपोजिट है ना, ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फा बाय 2 है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो एम जी के अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा बाय 2। तो यहाँ पर हम लोग लामी थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो लामी थ्योरम अप्लाई करेंगे, लिखेंगे एम जी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लोग लिखेंगे एम जी डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस अल्फा बाय 2 is equal to QE divided by ये एंगल देखेंगे तो 90 माइनस अल्फा बाय 2 ये टोटल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, है ना। तो साइन 180 माइनस अल्फा को हम यहाँ से साइन अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। और साइन 90 प्लस अल्फा बाय 2 को कॉस अल्फा बाय 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, साइन अल्फा को लिख देते हैं 2 टाइम्स साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये कॉस अल्फा बाय 2 और ये कॉस अल्फा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे QE इज इक्वल टू 2mg sin alpha divided by 2, ठीक है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन ऐसे देखें, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 2L sin alpha by 2, इस 2L sin alpha by 2 को यदि मैं x मान लूँ, ठीक है, तो ये h किसके बराबर हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा x sin alpha by 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू x sin alpha divided by 2, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू x sin alpha by 2। यहाँ से लिख सकते हैं q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण होता है 2kp/r³। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2kp/, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर x बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2kp/x³, और इसको लिखेंगे 2mg (sin alpha/2, ठीक है। लेट्स से इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो दिस वुड बिकम, इसको हम लोग लिख सकते हैं kpq/x², ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1x आ जाएगा तो ये हो जाएगा mg (x)(sin alpha/2। हमने ये वाला टर्म इसलिए बनाया क्योंकि ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं लिखूँ UE तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg (x)(sin alpha/2) जो है ये h के बराबर है तो ये हो जाएगा mgh। और अब यदि मैं यहाँ से टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ तो टोटल एनर्जी दो तरह की होगी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये यहीं से हम लोग लिख सकते हैं, ये भी mgh के बराबर आ गया, तो ये भी mgh के बराबर आ गया, तो टोटल जो एनर्जी है वो 2mgh के बराबर हो गई, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें जो सोल्यूशन में एक्सप्रेशन दे रखा है तो इससे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है,
ये 8 मीटर का है और ये जो सिलेंडर है ये थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है, ये थर्मली आइसोलेटेड सिलेंडर है। इसके बीच में एक पिस्टन है जिस पिस्टन का मास जो है वो 8.3 केजी के बराबर है, ठीक है, और अभी हमने इसको होल्ड करके रखा है। और ये जो पिस्टन है ये डायथर्मल है ना, डायथर्मल बोलने का मतलब ये है कि इसमें से जो है वो हीट का एक्सचेंज बहुत आसानी से हो सकता है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि हम इस प्लेट को यहाँ से छोड़ दें तो ये प्लेट यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है, और थोड़ा नीचे आने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमें बताना है कि ये ऊपर से जो है ना कितने डिस्टेंस पर आकर के ये प्लेट इक्विलिब्रियम में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो जेई ने बोनस कर दिया है ना, बोनस इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर गैस का नेचर नहीं बताया हुआ है कि गैस मोनोटॉमिक है या डायटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है या उसका सीवी या सीपी, अगर कुछ बताया गया होता तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है। तो मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि इस गैस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर है वो सी वी है, और ये मान करके मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। अगर सी वी की वैल्यू पता होती तो आप इस उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है आंसर ला सकते थे, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन यहाँ से थोड़ा नीचे आकर के और अब यहाँ पर आकर के इक्विलिब्रियम में आ गया। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग 8 - x मान लेते हैं, इसको हम लोग 8 - x मान लेते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे अगर प्रेशर P1 होगा, नीचे वाले पार्ट में अगर प्रेशर P2 होगा, तो अगर हम P1 P2 के बीच में इक्वेशन लिखना चाहें तो मैं कहूँगा ऊपर वाले पार्ट का प्रेशर P1 प्लस जो मास है पिस्टन का मास है mg, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे एरिया से, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा ये पिस्टन के मास के कारण आ जाएगा और इन दोनों का जो सम है ये P2 के बराबर होगा। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं पहले शुरुआत में जो है ना, शुरुआत में इसका जो टेम्परेचर था वो 300 केल्विन था, लेकिन पिस्टन की मूव होने के बाद अब टेम्परेचर कितना होगा वो मुझे पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है पहले भी टी था और जो टेम्परेचर है वो बाद में भी जो है, सॉरी, पिस्टन के ऊपर और नीचे दोनों का टेम्परेचर टी है, बट दिस टी इज डिफरेंट फ्रॉम 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है, ये जो कंटेनर है ये थर्मली इंसुलेटेड है, तो बाहर से तो कोई हीट नहीं आई होगी, तो सिस्टम में स्टार्टिंग में जो एनर्जी होगी और सिस्टम में बाद में जो एनर्जी होगी वो बराबर होनी चाहिए। तो पहले जो एनर्जी थी, ठीक है, और बाद में एनर्जी, तो पहले थर्मल एनर्जी थी, पिस्टन नीचे आया ना, इसका मतलब इनिशियली जो है देर वॉज सम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। और ये डिस्टेंस अगर हम देखें, ये डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये x माइनस 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम लोग एनर्जी लिखें तो ये एनर्जी हो जाएगी n Cv into 300, where n is the number of moles, तो ये एक ऊपर वाले पोर्शन की एनर्जी हो जाएगी और इतनी ही एनर्जी नीचे वाले पोर्शन में भी होगी, तो इसको into 2 कर देते हैं प्लस। इसके पास कुछ हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको लिख देते हैं m g, अब ये कितना नीचे आया, x - 4 नीचे आया, तो ये आ जाएगा x - 4। तो दिस इज द इनिशियल एनर्जी। अब यदि हम यहाँ से फाइनल एनर्जी लिखना चाहें, अब फाइनल टेम्परेचर अगर टी है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे n Cv into t into 2, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं n Cv into t into 2। तो ये u इनिशियल u फाइनल को बराबर कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा, 600 ncv, तो ये हो जाएगा 600 ncv प्लस mg into x - 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2n into cv into t के बराबर हो जाएगा। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है ना, यदि हम यहाँ पर है ना cv की वैल्यू अगर हमें पता होती तो cv की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रख करके इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते, साथ में एक pv = nRT हमें और लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसी भी लगा करके इसको सॉल्व करते तो हमारा आंसर आ जाता, है ना। लेकिन क्योंकि cv नहीं दिया हुआ है ना, cv नहीं दिया हुआ, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा और जेई ने इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया है, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेवन में
में ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एच हाइट तक जो है, एच हाइट तक कोई लिक्विड भरी हुई है और इस कंटेनर को हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया और मान लेते हैं कि ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस अगर स्मॉल आर के बराबर है, जो सिलेंडर का रेडियस है ये किसके बराबर है, ये स्मॉल आर के बराबर है और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये रेडियस अगर हम लोग कैपिटल आर बोले और हम चलो ये मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो देखे और ये वाली हाइट हम लोग यहाँ से यहाँ तक कितनी बता रहे हैं, एच बता रहे हैं, तो ये अगर आर है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे आर माइनस आर कॉस थीटा, ये एच के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे आर माइनस एच डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, और ये आर है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा जो है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। चले तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो लेट से ये हमारा कॉस थीटा वाला एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा साइन थीटा वाला एक्सप्रेशन आ गया, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना तो ये मिलेगा वन इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस एच, तो यहां मिलेगा कैपिटल आर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखें तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस टू आर एच प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो यहां से लिखेंगे 2RH is equal to H square plus R square, तो R की वैल्यू हो जाएगी H square plus R square divided by 2H। अगर हम लोग देखें ना तो this is the one of the answer, ठीक है, ये हमारा A जो है वो हमारा first answer हो गया। यदि हम इसको approximation करना चाहें तो R को हम लोग approximately जो है वो R square divided by 2H लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो हाइट h है ना, स्मॉल h इज मच मच लेस देन स्मॉल r, तो स्मॉल h अगर बहुत छोटा है तो इस कैपिटल r को हम लोग ऐसा लिख देते हैं। अब एक काम और करते हैं, यदि मैं कहूँ कि भाई इस पॉइंट की बात करूँ और इस पॉइंट का प्रेशर अगर p नॉट होगा और इस पॉइंट की बात करूँ और इस पॉइंट की बात करूँ, तो इस पॉइंट का प्रेशर भी p नॉट होगा, इस पॉइंट का प्रेशर अगर हम लोग p लिखते हैं तो p माइनस p नॉट में दो तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं P माइनस P नॉट की वैल्यू लिखूँ तो P माइनस P नॉट को यहाँ से लिखा जा सकता है, ऊपर से लिखा जा सकता है H रो G, और P माइनस P नॉट यहाँ से लिखा जा सकता है रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, तो यहाँ से ये रो और रो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर हम लोग R स्क्वायर बाय H लिखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू लिखना चाहें तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, तो ये हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, और मे बी है ना, मे बी हम लोग ऐसा करते हैं इस 2 को भी यहाँ से मिटा के है ना 2 को यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ से आर स्क्वायर बाय 2h को आर स्क्वायर बाय 2h को जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर की जो वैल्यू है इसको g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ऐसा भी लिखा जा सकता है, मे बी इसको भी हम लोग आगे कहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि यदि यदि एक ऑब्जर्वर इसको ऊपर से बैठ के देखे, है ना, यदि एक ऑब्जर्वर इसको ऊपर से बैठ के देखे तो इसका जो सरफेस है इसका अपेरेंट डेप्थ कितना होगा, है ना, अपेरेंट डेप्थ कितना होगा, तो इस अपेरेंट डेप्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला यहां से हम लोग लिख सकते हैं म्यू टू डिवाइडेड बाय वी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर, तो म्यू टू को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वन डिवाइडेड बाय वी हमें निकालना है, माइनस म्यू वन हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाय थ्री इंटू यू के बदले लिखेंगे माइनस एच, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वन माइनस फोर बाय थ्री
डिवाइडेड बाय आर। अब आर को यहाँ से लिख देते हैं जी बाई ओमेगा स्क्वायर, है ना, आर को लिख देते हैं जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3h, एक माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे प्लस, 1 माइनस 4 बाय 3 इज 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3j, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाय वी इज इक्वल टू माइनस, अब 4 बाय 3h कॉमन ले लो यहाँ से, तो 4 बाय 3h अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बाय जी बच गया, है ना, ये 1 बाय 3 तो कॉमन आ गया, ये 4 और h तो था नहीं, तो यहाँ पे h और 4 आ जाएगा, ठीक है, और इसका इन्वर्स कर लेते हैं। और हमें डिस्टेंस पूछा है ना, अगर हमें डिस्टेंस पूछा है तो हमें सिर्फ v का मैग्नीट्यूड ही बताना है, तो इस माइनस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3h डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस 4g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर h, है ना, नो सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 4g, और इसकी पावर में माइनस वन, इसको इन्वर्स करेंगे ना, इसको इन्वर्स करेंगे तो इसकी पावर में माइनस वन लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में ना हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस है और एक स्केटर जो है इसके ऊपर स्केट करता हुआ जा रहा है, एक स्केट करता हुआ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पहले तो यहाँ तक पॉइंट एक्स तक जो है ये स्ट्रेट लाइन है, अब एक्स से लेकर के वाई से लेकर के जेड तक ये जो पाथ है ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, और अगर हम बात करते हैं पॉइंट वाई की बात करते हैं तो वाई से लेकर के जो ग्राउंड की हाइट है ये स्मॉल एच के बराबर है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट जबकि ये स्केटर यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। अब मान लो कि जब ये स्केटर वाई पे पहुँचा और इस समय अगर इसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि स्केटर को जो सेंटीपेटल एक्सेलरेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट से, तो मे बी हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखें, अगर मैं पॉइंट वाई की बात करूं, ठीक है, और पॉइंट वाई पे यदि हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखें, तो एक एम जी इधर लगेगा और एम जी का कंपोनेंट ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, तो एम जी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज एम जी बाई टू, तो ये जो एम जी बाई टू है ये सेंट्रिपेटल फोर्स देगा, तो सेंट्रिपेटल फोर्स जो होता है ये एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के बराबर होता है और ये बराबर हो जाएगा एम जी बाय टू, तो यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो आर बाय टू के बराबर हो जाएगी। ये हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट वाई की, ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर होगा, ये जो फाइनल पॉइंट वाई है, इन दोनों जगह पर एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करने के लिए लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का जो सम होगा ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिख लें। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं एम जी एच, क्योंकि इस पॉइंट पर जब पार्टिकल है तो वो ग्राउंड से एच हाइट पर है, तो मे बी ऐसा करें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये m बाई टू यहाँ से और m बाई टू यहाँ से और m बाई टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर, यहाँ से 2gh आएगा, इसको लिख देते हैं माइनस 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर को लिख सकते हैं rg डिवाइडेड बाई 2, v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं rg डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में देखें ये वाला आंसर सही हो गया। अब हमसे ये पूछा गया है कि x, y और z की बात करें तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा या कहाँ पर सबसे कम सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हम देखें तो x से y तक जब जा रहे हैं ना तो स्पीड कम हो रही है ना, y पे स्पीड सबसे कम होगी, जब y से z पर आएंगे तो स्पीड फिर से बढ़ेगी, x और z पर स्पीड बराबर होगी,
तो यदि हम सेंट्रिपिटल फोर्स लिखें, है ना, यदि हम सेंट्रिपिटल फोर्स लिखें तो सेंट्रिपिटल फोर्स हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। रेडियस तो सेम है, मास भी सेम है, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम देखें तो आंसर डी हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि एक्स और जेड पर जो है स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो एक्स और जेड पर सेंट्रिपिटल फोर्स भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन जो है ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि एक हमारे पास रॉड है और इस रॉड से एक्स डिस्टेंस नीचे एक बुलेट जो है एम मास का बुलेट है, रॉड का मास भी एम है, ये आके बुलेट से टकराएगा और बुलेट से टकराने के बाद जो है ये रॉड जो है ना, ये बुलेट जो है ये रॉड में ही रह गया, ठीक है, और इस हिंज के अबाउट ये इस तरफ जो है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमना शुरू करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हिंज के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर कर लें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी एक्स। फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम को हम आई ओमेगा लिख सकते हैं, है ना, आई इस पूरे सिस्टम का लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस बुलेट का लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। तो ये रॉड का हो गया, ये बुलेट का हो गया, तो ये हो जाएगा इंटू ओमेगा। मे बी ये एम और ये एम और ये एम कैंसिल कर लें तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगी 3 times v into x डिवाइडेड बाय l square प्लस 3x स्क्वायर। तो ये ओमेगा हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए, है ना, x की कौन सी वैल्यू के लिए जो है ओमेगा सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि लेट से अगर हम डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी एक्स को ज़ीरो करके देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3v माइनस, ऊपर जो क्वांटिटी है वो है 3vx इंटू नीचे जो क्वांटिटी है वो हो जाएगा 6x, ठीक है, और इन सबको जीरो के बराबर कर दें तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना वो x की वैल्यू सॉल्व करके l बाय रूट 3 आ जाएगी, है ना, x की जो वैल्यू आएगी वो l बाय रूट 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग xm बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, xm। और यदि हम लोग यहाँ से ओमेगा एम निकालना चाहें तो ओमेगा की इस वाली वैल्यू में ना एक्स की जगह पर आप एल बाय रूट 3 रख दीजिए, एक्स की जगह पर एल बाय रूट 3 रखेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी वी रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल। तो ये ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ जाएगी वी रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके आगे का सोल्यूशन जो है वो राठौड़ सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, ओके। तो देखिए 10 जो है मॉडर्न फिजिक्स से आया हुआ है, एक्सरे का क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, है ना, अगर पढ़ रखा है तो बहुत इजी सा था ये। देखिए क्या लिखा है, इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट कैरिंग करंट आई हिट अ टारगेट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कैथोड, द टारगेट इज कैप्ड एट द पोटेंशियल वी हायर देन द कैथोड रिजल्टिंग इन द एमिशन ऑफ द कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। If the filament current is decreases to I to I by 2, okay, filament current decreases to I by 2 and the potential increases to V to 2V, and the separation of the distance is D to, reduces D to D by 2, then which of the following is correct, okay. So, kya karna hai dekhiye. एक्सरे में हमें मालूम है कि जो कट ऑफ वेवलेंथ है जिस पे ये पूछ रहा है हमें, कट ऑफ वेवलेंथ, ओके, कट ऑफ वेवलेंथ चारों है ना, तो कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है एच सी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, लैम्डा सी, सॉरी, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जैसे कि जो
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है ई वी, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो उसका टोटल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज एच सी बाय लैम्डा. ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई वी. ओके, तो यहाँ से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अब हमसे कहा गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी से वी बाई टू हो गया, सॉरी वी से टू वी हो गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन डबल कर दिए हैं, ठीक है ना. तो लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो लैम्डा हाफ का आपके पास में ऑप्शन एक ये है, रिड्यूसेस टू हाफ, और दूसरा ये रहा रिड्यूसेस टू हाफ, ठीक है. बाकी दो ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें कहा है कि लैम्डा एस सच रहेगा और इसमें कहा है कि लैम्डा टू टाइम्स हो जाएगा, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना. तो ये तो रॉन्ग हो चुका है, ये भी रॉन्ग हो चुका है, ठीक है. इन दोनों की बात आगे लेके चले. तो एक तो लैम्डा का पूछा था, ठीक है. फिर फिलामेंट करंट है ना, फिलामेंट करंट इज डिक्रीजेस टू आई बाई टू. तो फिलामेंट करंट जो है उस पर क्या डिपेंड करता है, फिलामेंट करंट से, भाई फिलामेंट से जो है थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और फिलामेंट करंट आपने रिड्यूस कर दिए, तो जो फिलामेंट जो है वो भी थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू उतने इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा जितने पहले कर रहा था. तो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम जो है वो डिक्रीज हो गए हैं. अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए हैं तो जो एक्सरे जो है उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उस पर स्ट्राइक ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो फिर वहाँ से फोटोन भी नहीं निकलेगा. ओके, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो एक्सरे है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे डिक्रीजेस. तो ये ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है. एंड द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, फर्स्ट में क्या कहा है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तो तब जनरेट होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, है ना. इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो फोटोन जो निकलेगा उस फोटोन की जो एनर्जी है वो इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी पे ही तो डिपेंड करेगी, क्लियर ना. तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो है वेवलेंथ वो तो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि तो ऑर्बिट की प्रॉपर्टी हो गई, है ना, ठीक है. तो इसके ये दो ऑप्शन हो जाएंगे, है ना. आगे चलें, ठीक है, ए और सी सही हो गया. नेक्स्ट देखें, टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा एंड द स्फीयर आर नाउ इमर्ज इन द डायलेक्ट्रिक ऑफ द डेंसिटी दिस एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दिस इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन सेम आफ्टर द इमर्जन दैन वट इज करेक्ट. ओके, सी. सुनिए, यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये दूसरी स्ट्रिंग, इससे दो स्फीयर लगे हुए हैं, दोनों पे चार्ज और मास सेम है, चार्ज और मास सेम, क्लियर. इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये अल्फा दे रखा है. ओके, नाउ यू सी, अगर इसमें मिड लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाय टू, ठीक है. अब बात ये हो गई कि इस पे ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, ये इक्विलिब्रियम है. अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इस पे फोर्स देख लेते हैं. एक तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है ना, ये हो जाएगा एफ ई, ठीक है. नीचे क्या लगने वाला है इसका, वेट एम जी, और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या आने वाला है, टेंशन टी, क्लियर. यहाँ से हम ये कहते हैं कि ये अल्फा बाई टू है, तो ये भी कितना है, अल्फा बाई टू. तो टी के जो कंपोनेंट होंगे वो हो जाएगा टी कॉस अल्फा बाई टू, और इधर हो जाएगा टी साइन अल्फा बाई टू, ठीक है. तो यहाँ पे ये एफ ई तो इसके इक्वल हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू टी साइन अल्फा बाई टू, और ऊपर देखें, ऊपर टी इधर इधर नीचे तो हो जाएगा एम जी, और ये हो जाएगा टी कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है. इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है टेन अल्फा बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, क्लियर. दूसरी बात, फिर हमसे कहा गया इस पूरे सिस्टम को हमने लिक्विड में इमर्ज कर दिया, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से बता देते हैं. ओके, सो लिक्विड में इमर्ज करने के बाद में ये लिक्विड में साफ इमर्ज कर दिया हमने, ठीक है, तब भी हमें एंगल का कहा है कि एंगल सेम रहता है ना, एंगल क्या रहता है, सेम एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन सेम,
तो ठीक है साहब, एंगल सेम रहता है, तो ये अल्फा बाई टू हो गया, ठीक है। अब ये इस पर एक तो फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई बाई के, ओके, और के कितना है यहाँ पे 21 है, तो के रख लेते हैं, लास्ट में वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। एम जी किधर लग जाएगा, नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी डैश, दैट इज ओके, है ना। और एक और क्या लग जाएगा, एक और लग जाएगा बॉयंट फोर्स, ठीक है, बॉयंट फोर्स जो लिक्विड की वजह से लगेगा, इसको ऊपर बी से दिखा दिया, ठीक। ये अल्फा बाई टू है, तो ये भी अल्फा बाई टू हो जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम में कहा गया है, किसमें कहा गया है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो देखो टी का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा टी साइन अल्फा बाई टू, ठीक है, और ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा टी कॉस अल्फा बाई टू। टी डैश ले रखा है तो टी डैश कर लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो ये एफ ई बाई के, ये तो इसके टी डैश साइन अल्फा बाई टू के बराबर हो गया, टी डैश साइन अल्फा बाई टू दैट इज इक्वल टू एफ ई बाई के, और टी डैश कॉस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू व्हाट, एम जी माइनस पॉइंट फोर्स, ये ठीक लिखा गया, कैसे टी डैश कॉस अल्फा एम जी, और ये पॉइंट फोर्स को नीचे माइनस में शो कर दिया, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दो इनको भी, तो ये आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एफ ई बाई के दैट इज होल डिवाइडेड बाय एम जी माइनस बी, ये ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख रहे हैं इससे भी टेन अल्फा बाई टू है, इससे भी टेन अल्फा बाई टू है, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, हम दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है साहब, इक्वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा एफ ई बाई एम जी इज इक्वल्स टू एफ ई बाई के होल मल्टीप्लाइड बाय एम जी माइनस बी, ये ठीक, एफ ई से एफ ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, एम जी माइनस बी अपॉन एम जी, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, वन बाई के, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड किया, वन माइनस ये बॉयंट फोर्स डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वन बाई के, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस बॉयंट फोर्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, है ना, इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, एम हो गया, ठीक है, और इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू वन बाई के। तो यहाँ पे वी से वी और जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो फाइनली हमको क्या मिलने वाला है इसमें, फाइनली हमें मिल जाएगा वन माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय रो ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वन बाई के। ओके, लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी है, 800, बॉडी की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, के कितना दिया है 21, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है 840, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पे, है ना। देखो एक तो ये 840 हम निकाल ही चुके हैं, मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है। फिर हम टेंशन की बात करें, टेंशन द स्ट्रिंग रिमेन अनचेंज, नहीं टेंशन तो चेंज होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, फर्स्ट ऑप्शन का इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन अनचेंज। नाउ यू सी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर, दो स्फीयर के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स, हम कह रहे हैं जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं सर देखो यहाँ तो एफ ई था, है ना, और यहाँ पे एफ ई बाई के हो गया। भाई ये जो एफ ई बाई के है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस स्फीयर ड्यू टू दिस स्फीयर एंड द मीडियम, है ना, कि ये जो है जब हम इसको मीडियम में रखते हैं तो मीडियम को ये इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं। अब मीडियम पोलराइज हो जाता है इसकी वजह से, तो मीडियम का जो इंड्यूस चार्ज जो भी होगा या जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से एक फोर्स इस पर लगेगा। तो इस स्फीयर पे एक तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा और एक मीडियम की वजह से फोर्स लगेगा, जो नेट इतना होगा, है ना। लेकिन हम फिर वही कह रहे हैं कि ये तो टू, जब हम दो स्फीयर की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ स्फीयर का पूछा है, बिटवीन द स्फीयर, दो स्फीयर में तो ये टू बॉडी इंटरेक्शन है, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर पे इतना फोर्स लगा रहा है, वो पहले भी लगा रहा था, वो बाद में भी लगा रहा है, ठीक है ना। हाँ, पहले ये था कि मीडियम का फोर्स नहीं था इस स्फीयर पे, बाद में मीडियम का फोर्स भी आया। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है बिटवीन द स्फीयर, तो हमने बिटवीन द स्फीयर फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट लिया है। ओके, तो इसका आंसर हो गया ए एंड सी। चले आगे, नेक्स्ट
ओके, नेक्स्ट जो है काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है. सी, स्टार्टिंग एट टी इक्वल्स जीरो फ्रॉम द ओरिजिन विद द स्पीड दिस, द पार्टिकल फॉलो द टू डायमेंशनल ट्रैजेक्टरी इन द एक्स वाई प्लेन सो दैट द कोऑर्डिनेट आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन दिस. ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो पे स्पीड इतने से है, ठीक है, और ए एक्स एंड ए वाई डिनोटेड द वॉट एक्सेलेरेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है साहब, सी थोड़ा नीचे आ जाओ, ठीक है. आप सुनिए, हमें क्या ट्रेजेक्ट्री दे रखा है ना, टू डायमेंशन मोशन ट्रेजेक्ट्री दे रखा है. ट्रेजेक्ट्री में भी हमें मालूम है कर्व कैसा है ना, ये ऐसा हो गया इस तरह से, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, ये इस तरह का हो गया कर्व, ठीक है, पैराबोलिक है. अच्छा, इक्वेशन जो दे रखा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू दे रखा है, ठीक है साहब. इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पे बात करनी, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए. इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी वाई बाई डी टी ये तो हो जाएगा वी वाई, है ना, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी जो हो जाएगा वो वी एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा वी एक्स. फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए वाई, ठीक है. अब जब हम x को डिफ्रेंशिएट, पहले वी एक्स को कर लेते हैं, x को कर लेंगे तो वी एक्स तो ऐसे ही है, और x का आएंगे तो वी एक्स और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस फिर हम x को रहने देंगे और वी एक्स को कर देंगे तो ये ए एक्स आ जाएगा. सो आई कैन श्योरली से ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए एक्स, ये ठीक है क्या, है ना. ये जो इक्वेशन है इसको लेके हम आगे चलते हैं. अब पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है, ए एक्स इक्वल्स टू वन इम्प्लाइज दैट, तो इसमें इम्प्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज द ओरिजिन ए वाई इक्वल्स टू वन, ए वाई ए एक्स वन है, ठीक है, तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा वी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वन, ये ठीक है ना. और जब इसको ओरिजिन पे बात करेंगे तो ओरिजिन पे x कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये हो जाएगा, ये x जीरो रखते वी एक्स स्क्वेयर, और ओरिजिन पे इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी वन, क्लियर. लेकिन ओरिजिन पे जो भी स्पीड थी टेंजेंशियली वो इसी डायरेक्शन में तो थी, तो वी एक्स वन था टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, तो ये वन डाल देंगे यहाँ पे, तो वन का स्क्वेयर होके ये आपको वन मिल जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. दूसरा पार्ट क्या कहा है, ए एक्स इक्वल जीरो इम्प्लाइज दैट, इसी में ए एक्स जीरो कर दो, इसमें ए एक्स इक्वल टू जीरो, ये ए एक्स को जीरो कर रहे हैं इसमें, तो ए वाई कितना हो जाएगा बताओ, ए वाई जो हो जाएगा वो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. अब जब हम ए एक्स को जीरो कर दिए, है ना, एक्सेलेरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी. तो वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन इनिशियली कितनी थी, वन, है ना, तो ये बाद में भी क्या रहेगी, वन ही रहेगी, तो ये जो है वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है. थर्ड में क्या कहा है, एट टी इक्वल्स टू जीरो द पार्टिकल वेलोसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि टी इक्वल्स टू जीरो पे जब वो ओरिजिन में है, ओरिजिन की पे है, तब उसकी वेलोसिटी हम टेंजेंशियल देंगे, और टेंजेंशियल जब वेलोसिटी दे रहे हैं तो वो एक्स डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज ओके. लास्ट ऑप्शन, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट, इसमें ए एक्स जीरो रख दो, देखें फोर्थ ऑप्शन, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो रखते ही आपके पास में ए वाई कितना आ गया, ए वाई आ गया वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वी एक्स हमेशा कितना था, ए एक्स जीरो है तो वी एक्स हमेशा क्या था, कॉन्स्टेंट, और वी एक्स इनिशियली कितना था, वन, तो बाद में भी क्या रहेगा, वन, तो ये वन आ जाएगा. चलो ठीक है साहब, तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो वी एक्स जो है वो वन है, दूसरा वी वाई जो है वो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है. अब हमें कब पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है टी इक्वल्स टू वन सेकेंड पे, तो टी इक्वल्स टू वन सेकेंड पे तो इनिशियली यू वाई कितना था यहाँ पे, जीरो, और ए वाई, ए वाई हमारे पास कितना है यहाँ पे, वन, है ना, और टी कितना ले रहे हैं, वन सेकेंड पे, तो ये सब मिलके कितना आ गया, वन, तो वी वाई भी वन आ गया, है ना. तो किसी भी इस टाइम पे हमारे पास वी एक्स और वी वाई दोनों वन हैं, तो जो टेन थीटा होगा, ठीक है ना, दैट इज़ वी वाई बाई वी एक्स, है ना, तो वन बाई वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्लियर. तो ये एक्स डायरेक्शन के साथ में इतना एंगल बनाएगा, तो इसमें जो है आपके
चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल बबल इनसाइड द वाटर हैज अ रेडियस आर, टेकिंग प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी पी नॉट, है ना। नाउ द बबल नाउ गेट कंप्रेस radially in the adiabatic manner so that the radius becomes r minus a and a is less than r, the magnitude of the work done in the process is given by this, then what is x cp by cv is given। You see, isme ek hi dekhiye, ek spherical bubble hai radius r ka, theek hai sahab, ye spherical bubble hai radius r ka, theek। Ab wo keh raha hai ki iske taking the pressure inside the bubble and the water pressure to be r naught, sorry p naught, yahan pe wo p naught pressure keh raha hai, yahan pe bhi p naught ke pressure keh raha hai, aur dono taraf pressure equal keh raha hai, kyun, kyunki wo chahta hai ki aap surface tension ki botheration nahi le, ki hum surface tension ke bare mein baat nahi karenge, halanki hum jante hai ki andar se axis pressure lagta hai, hai na, aur yahan agar ye bubble andar bana rahe hain to t by r ka lagta hai, lekin hum 2t by r ka lagta hai, lekin hum uski baat nahi kar rahe, clear। तो हमने कहा कि सरफेस टेंशन की बात नहीं करेंगे, ओके। अब वो कह रहा है कि द बबल नाउ गेट कंप्रेस्ड, है ना, एडियाबेटिक मैनर, एडियाबेटिक मैनर में कंप्रेस किया, और कितना, ए तक कंप्रेस किया, है ना। तो मान लो वो कंप्रेस करके हम यहाँ तक ले आए उसको, ठीक है, ये कंप्रेस करके हम यहाँ तक ले आए, ठीक है, और ये जो हो गया ये हो जाएगा आर माइनस ए, तो ये कितना लाए हैं हम, ए लेके आए, दैट इज ओके, and E is very small as compared to R, ठीक है साहब। तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, देखो बाहर से हम इस पे रेडियल डायरेक्शन में, इस बबल पे रेडियल डायरेक्शन में सब तरफ से फोर्स लगाए, और फोर्स लगाने के बाद में हमने इसको इस पोजिशन में पहुँचा दिया, है ना। तो हमसे वर्क डन पूछा है, हमसे क्या पूछा है, वर्क डन। तो एक चीज़ तो ये समझिए कि ये जो अंदर वाला है ना, इसमें प्रेशर अब बढ़ चुका है, पहले P नॉट था तो अब कितना हो गया है, P नॉट प्लस डेल्टा P, और जब बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो इस डेल्टा P के अगेंस्ट क्या करना है, वर्क करना है, तो हमें भी बाहर से इसके करस्पॉन्डिंग ही लगाना पड़ेगा फोर्स, तो जो हमारा वर्क डन होगा, क्लियर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P डॉट डेल्टा V हो जाएगा, ये डेल्टा P ये वाला फोर्स है, ठीक है। लेकिन हमें भी मालूम है कि जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, कहाँ से आर माइनस ए तक, तो डेल्टा P हमेशा सेम तो नहीं रहेगा, इनिशियली डेल्टा पी कितना था, जीरो, और बाद में डेल्टा पी कितना हो गया, डेल्टा पी, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, जीरो प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टू, तो ये हमने उसका एवरेज प्रेशर ले लिया, ये हमने उसका क्या ले लिया, एवरेज प्रेशर, कि डेल्टा पी हमेशा जो था वो सेम नहीं था, तो इनिशियली जीरो और लास्ट में डेल्टा पी, तो हमने कहा कि ये एवरेज ले लिया हमने, ठीक है, दिस वन इज द एवरेज, ठीक। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब हमारी प्रॉब्लम है कि एक तो हम डेल्टा पी लाएं और दूसरा हम डेल्टा वी की वैल्यू रखें, ठीक है। इसके लिए हमें एक तो है ना ये दिया है कि एडियाबेटिक मैनर में लेके गए हैं इसको, तो एडियाबेटिक मैनर में, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी की पावर गामा कितना होता है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये वी की पावर ऐसे ही रहने दें, गामा पी का कितना हो जाएगा डी पी, फिर इसको पी को ऐसे ही रहने दें, ये गामा वी की पावर गामा माइनस वन और ये डी वी, और ये इज इक्वल टू कितना, जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v की पावर गामा से v की पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी पी प्लस पी गामा डी वी बाई वी, ओके, दैट इज इक्वल जीरो। तो हमारे पास डी पी कितना आएगा, डी पी आएगा माइनस पी गामा डी वी बाई वी, ये ठीक। सो नाउ यू कैन सी, ये जो डी पी है यही हमारा डेल्टा पी है, उसमें ये सारी वैल्यू रखनी है। अच्छा, P हमारे पास कितना है, P नॉट है, P हमारे पास कितना है, P नॉट है, ओके। तो एक बार इसको मैं यहाँ रख दूँ, W इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। अब मुझे माइनस में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हम वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हमने तो उसके अगेंस्ट वर्क किया है, ठीक है। P नॉट गामा डी वी बाई वी इंटू डी वी, पहले से था ये, ये डेल्टा वी है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं सबकी, ठीक है। यू सी, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू वन बाई टू पी नॉट, है ना। गामा कितना दिया है, गामा आपको दिया है 41 बाई 30, ठीक है,
डी वी कितना है, डी वी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर कितना है ए, ये ठीक है, एक बार और आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए, नीचे वी, वी कितना था 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ओके, तो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब से ये कैंसिल, यहाँ पे ये 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, एक आर रह जाएगा, ठीक है, और ये 3 ऊपर भेज देते हैं हम, ठीक है, तो इसको मैं 3/2 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये 41/30 ये भी यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, बाकी ब्रैकेट में लाओ देखें, एक तो पी नॉट रह गया, एक 4 पाई रह गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई p नॉट r इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसी का मल्टीप्लाई चाहिए, 4 पाई p नॉट r ए स्क्वायर, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये जो है ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर है, दैट इज x, यही तो निकालने को बोला था हमको, है ना, तो ये x कितना हो जाएगा, ये 41/20 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4.1 और ये हो जाएगा 2.05, क्लियर, तो इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट देखें, ओके, नेक्स्ट ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, सर्किट और थर्मो दोनों मिक्स कर दिए, देखें हीट ट्रांसफर टाइप हो गया इसमें। इन बैलेंस कंडीशन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज आर शो इन द फिगर, द आर थ्री हैज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिस, इफ द टेम्परेचर ऑफ आर थ्री इज इंक्रीज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द एसएनटी। सी और इसमें देखें कि ये जो आर थ्री है ना, इस आर थ्री का टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है ये, क्लियर, और इंक्रीज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ठीक है। हम ये कह रहे हैं आपसे कि आर थ्री का जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो आर थ्री डैश आएगा, हो जाएगा आर थ्री 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर थ्री कितना था 300, 1 प्लस अल्फा कितना है 0.0004 इंटू डेल्टा टी, व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज 100, ठीक है, तो ये सॉल्व कर लें, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 412 आ जाएगा, 312 ओम हो जाएगा ये आर थ्री डैश। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद अब हमारे पास में ये जो रेजिस्टेंस है ये 312 ओम हो गया है, क्लियर, बात ठीक है यहाँ तक। अच्छा, हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि ये इस एस और टी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब कि कहने का मतलब ये वोल्टमीटर का रीडिंग ही निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं 50, ठीक है ना, केसीएल लगाने वाले हैं, ये आपके पास इसको V1 मान लेते हैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को, और इस पॉइंट के पोटेंशियल को V2 मान लेते हैं, आपसे V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 पूछ रहा है, क्लियर। सो नाउ यू सी, ठीक है, आप देखें इसमें कि यहाँ पे हम अगर KCL लगाएं, ठीक है ना, तो V1 कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, तो V1 से यहाँ तक जाएं KCL के लिए, तो इधर और इस ब्रांच की करंट यहाँ से V1 से और यहाँ से V1 से दोनों की करंट लिखें यूजिंग KCL, V1 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 60 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 312, ठीक है, इजिक्वल्स टू 0, यहाँ से V1 आ जाएगा, क्लियर। और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, V2 के लिए, तो V2 पे KCL लगेंगे, V2 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल्स टू 0, तो ये V2 कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये V2 जो आ जाता है, ये आ जाता है 91.6666, ठीक है ना, और ये आ जाता है 91.9354, क्लियर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है V1 माइनस V2, ये है ना, इन दोनों का डिफरेंस वो हो जाता है 0.2688, लेकिन हमें तो 2 डिजिट में देना था, तो हम इसको फिर देते हैं 0.27, क्लियर है ना। यहाँ पे सर्किट सॉल्व करना एक छोटी सी बात है, आप कर सकते हैं कई तरीके करने के, ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है टू कैपेसिटर C1 एंड C2 है ना, विद एरर दे रखे हैं,
are connected in series, the potential difference across the combination, voltage across the combination is this, the percentage error in the calculation of energy is stored in the combination. देखो दो कैपेसिटर सीरीज में लगाए, ये कैपेसिटर C1, ये दूसरा कैपेसिटर C2, और इन दोनों को ये सीरीज में लगा दिए, ठीक है साहब, ये सीरीज में लगा दिए V वोल्ट से. तो C इक्विवेलेंट कितना हुआ यहाँ पे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना. तो C1 C2 की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा दिस इनटू दिस अपॉन 5000, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200 ओम. अब हम क्या कर रहे हैं, देखो द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ये 5 वोल्ट लगा रखा है, ठीक है ना. जब हमसे कहा गया कि एनर्जी की बात करिए, किसी बात करिए एनर्जी की, इसको सी कह देते हैं ना थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है. देखें हमने कहा कि एनर्जी स्टोर जो होगी वो होगी हाफ सी वी स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा ई बाय ई इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय सी प्लस टू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाय वी, यहाँ तक ठीक है. अब मुझे डेल्टा सी चाहिए पहले यहाँ से, तो वन बाई सी जो है आपका, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, दैट इज ओके. अब ये जो आएगा इसको हम लिख सकते हैं वन बाई सी स्क्वेयर डेल्टा सी, है ना, दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी दैट इज इक्वल्स टू वन बाई सी वन स्क्वेयर डेल्टा सी वन प्लस वन बाई सी टू स्क्वेयर डेल्टा सी टू, क्लियर, यहाँ तक ठीक. अब यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे डेल्टा सी बाई सी रखना है ना लाके, तो चाहे तो यहाँ से डेल्टा सी बाई सी निकाल दो. देखो डेल्टा सी वन कितना है, डेल्टा सी वन, ओहो डेल्टा सी वन जो है ये रहा 10, ठीक है, डिवाइड बाय C1 का स्क्वायर, ये 2000 का स्क्वायर, प्लस डेल्टा C2 कितना है 15, और ये हो जाएगा 3000 का स्क्वायर, ठीक है. और फिर यहाँ से डेल्टा C निकाल लेते हो, तो C स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दो, C स्क्वायर इज दिस, ठीक है ना, तो 1200 का स्क्वायर, और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 0 कैंसिल करने में आसान हो जाएगा. इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. इसको सॉल्व करने के बाद में हमें मिल जाता है 6, है ना, और सब पिको फेरेड में चल रहा है तो पिको फेरेड में हो जाएगा, कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है. अब हमने कहा कि ये डेल्टा ई बाई ई जो है परसेंटेज एरर निकालनी है, ठीक है ना, तो डेल्टा सी बाई सी कितना हो जाएगा 6/1200, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना है, देखो डेल्टा वी 0.02 डिवाइडेड बाय वी, वी कितना है 5, और इंटू क्या कर लेना है 100, ठीक है ना, तो ये जाएगा 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 4/5, 1/2 कितना हो गया 0.5, 4/5 कितना हो गया 0.8, तो ये आ जाएगा 1.3%, 30 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक चले आगे. ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल सॉलिड एल्यूमिनियम बल्क मॉडुलस दिस, ठीक है, 70 GPa ब्लॉक हैज एन एज ऑफ द लेंथ 1 meter ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट इज कैप ऑन द फ्लोर ऑफ द 5 kilometer डेप्थ ओशन, टेकिंग द एवरेज डेंसिटी ऑफ द वाटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10^3 and 10 रेस्पेक्टिवली चेंज इन द एज लेंथ ऑफ द ब्लॉक इन mm इज वॉट. देखो एक ब्लॉक दे रखा क्यूबिकल ब्लॉक उस सर्फेस पे, फिर उसको ले गए अंडर वाटर 5 kilometer नीचे ओशन में, वहाँ जाके उस पर क्या होगा, वाटर का प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो उसकी जो एज है क्यूब की एज वो डिक्रीज हो गई, वो उसका चेंज पूछा है डिक्रीमेंट, क्लियर, उसके लिए हमें बल्क मॉडुलस दिया है ना. तो यहीं से चालू करते हैं, देखो कि हमें जो बल्क मॉडुलस हम जानते हैं हमारे पास माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, क्या हमें बल्क मॉडुलस दिया है, यस इट इज़ गिवन 70 GPa, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 70 GPa, गीगा हो जाएगा 10^9, ठीक है, मेगा 10^6, गीगा 10^9, डेल्टा पी उसकी वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है, हम कितना नीचे गए ओशन में, जितना भी नीचे जाएंगे एचओजी से प्रेशर चेंज होगा, भाई पी नॉट तो एटमोसफियर प्रेशर तो पहले बाहर भी लग रहा था अंदर भी लग रहा है, तो चेंज कितने से हुआ एचओजी से, तो एच कितना है 5000 रो
ये 1000 इंटू जी, जी कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। नाउ यू सी डेल्टा वी, वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है उसका क्यूब के लिए एल क्यूब। अगर क्यूब की साइड, क्यूब की साइड जो है एल है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितना होगा एल क्यूब। अब सब तरफ से प्रेशर आया तो श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया तो यहाँ पे हम एरर थ्योरी लगा दें, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 times ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 times ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ठीक। तो देखो 30 ये, 30 ये 6 और ये 70 यहाँ से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10^2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल, ओके, यहाँ कितना रह गया ऊपर 5 मल्टीप्लाइड में और कुछ नहीं जाएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 7 × 10^3 इंटू ये 3 है, ये जो 7 × 10^3 लिखा है इसको, ठीक है ना। नाउ वी नो एल इज 1 meter, एल इज व्हाट 1 meter, तो अगर हम कहते हैं डेल्टा एल ही तो निकालना था तो एल से मल्टीप्लाई कर दें, 1 meter को यहाँ पे mm में रख दें तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7 × 10^3 × 3, ओके, तो 10^3 से 10^3 कैंसिल, है ना। यहाँ मैंने ये माइनस को ऑमिट कर दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि अल्टीमेटली लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमें चेंज पूछा है तो माइनस का पोजिशन नहीं लिए। ये हो जाएगा 5/21 mm, है ना, 5/21 mm। अगर ये 20 होता तो 1/4 हो जाता, 1/4 हो जाता तो फिर 0.25 हो जाता, तो 0.25 से भी कम आने वाला है ये, समझ रहे हो, है ना। तो ये आता है सॉल्व करके 0.238 mm, जिसको हम लिखते हैं 0.24 mm, क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का ईएमआई का क्वेश्चन है। इसमें हमको दो सर्किट दे रखे हैं ना, एक ये एक वो, ठीक है, और हमसे कहा गया है दोनों स्विचेस को साइमल्टेनियसली क्लोज किया गया, इसको भी किया गया, इसको भी किया गया, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय द बैटरी अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा एक चीज समझिए, अगर हम वर्क डन बाय बैटरी की बात करें, ठीक है, अगर ये सर्किट नहीं होता तो इसमें कितना होता, 1/2 LI² और ये नहीं होता तो इसमें कितना होता, 1/2 LI² और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म भी काम में ले लें तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/2 L1 I1² ये पहले सर्किट का, 1/2 L2 I2² ये दूसरे सर्किट का, और MI1 I2 ये इनके म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से वर्क, जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो EMF आया उस EMF के अगेंस्ट जो है वर्क की बात हो गई, क्लियर, है ना। और ये प्लस माइनस दोनों में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे W जो हो गया वो जाएगा 1/2 L, कितना है देखो L1 जो हो जाएगा वो जाएगा 10 mH, तो मिली में ही लाना है तो मिली को नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा ये देखो यहाँ से 5/5 1 स्टडी स्टेट में तो ये 1 आ जाएगा। L2 कितना है, L2 की वैल्यू है 20 और I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा 20/10, है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस म्यूचुअल इंडक्शन कितना है ये 5 और I1 कितना था, I1 यहाँ था 1, है ना, और यहाँ था 2 स्क्वायर, क्लियर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 5, ठीक है, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 40 प्लस माइनस ये हो जाएगा 20, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 प्लस माइनस 20, प्लस करते हैं तो 55 आ जाता है, माइनस करते हैं तो 35 आ जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट कि यहाँ पे दोनों का फ्लक्स का चेंज एक तरह से है, है ना, सेम साइड से है या अपोजिट साइड से। सेम साइड से है तो प्लस में आ जाएगा 55, अपोजिट साइड से तो माइनस में आ जाएगा 35, और यूनिट क्या थी, यूनिट ये मिली जूल हो जाएगी, दैट इज ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहा है कि ए कंटेनर विद द 1 kg ऑफ द वाटर इन इट इज कैप्ड इन द सनलाइट विच कॉज द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग। द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव ड्यू टू द सनलाइट इज 700 W/m² एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर ओवर एन इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस। तो हमें देखो, एक तो सनलाइट जो आ रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है ना,
एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो दे रखा है और वाटर का एरिया दे रखा है. अज्यूम द हीट लॉस फ्रॉम द वाटर ड्यू टू सराउंडिंग गवर्न बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है. द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द सराउंडिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय के बाद में सराउंडिंग में और वाटर के टेम्परेचर में डिफरेंस चाहिए और उसके लिए क्या कहा है, टेक द कॉन्स्टेंट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज दिस. ये लाइन देखो, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का कॉन्स्टेंट दे रखा है, हीट कैपेसिटी दे रखी है. ना सही भाई, बात इतनी सी है कि 1 kg वाटर है, ठीक है, सनलाइट जो आ रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी आ रही है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इतनी आ रही है. अच्छा, वाटर के कितने सरफेस पे गिर रही है, 0.05 पे गिर रही है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, वाट हो गया. ये तो इतना पावर उसको मिल रहा है, किसको, वाटर को, है ना, तो पावर रिसीव्ड ये ठीक है, इतना पावर उसने रिसीव किया, ये कितना हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 35 हो जाएगा वाट, यहाँ तक ठीक. अब ये क्या करता है, वाटर जो है हीट रेडिएट करना चालू करता है, हीट रेडिएट करता है तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से कर रहा है. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना लंबे टाइम के बाद में जितना पावर वो सनलाइट से ले रहा है उतना ही पावर क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है. एट दैट टाइम जो उसका टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो उसका एनवायरमेंट के साथ टेम्परेचर डिफरेंस भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज आस्क, दैट इज ओके. तो यहां पे हम कह रहे हैं पावर रिसीव्ड, ठीक है, इज इक्वल टू पावर रेडिएटेड. ये ठीक है, पावर रिसीव्ड इज इक्वल टू पावर रेडिएटेड. ओके, तो पावर रिसीव्ड कितना है, ये 35. पावर जो रेडिएट कर रहा है वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से कर रहा है. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में हमें मालूम है ये होता है E σa 4, है ना, टी नॉट हो जाएगा, ये 4 आगे लगा दिया, ठीक है, और ये डेल्टा टी, ये ठीक है क्या, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये हमारे पास पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला है ना, dQ/dt. इफ यू रिमेंबर ये होता है dQ/dt, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन, ठीक है ना, तो ये हो जाता है 4E σa T0³ और ये डेल्टा टी, है ना. तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, ये वो यहाँ लिखा है. अब इसको अगर थीटा में लिखे ना तो dθ/dt, तो ये ms नीचे आ जाएगा, 4E σa T0³ / ms, ठीक है, इनटू डेल्टा टी. ये जो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, ऊपर वाला नहीं है भैया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये नीचे का कूलिंग की बात कर रहा है ना, दैट मीन्स वी हैव टू कंसर्न विद द टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, तो इसमें ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 0.001. तो यहाँ पे 4E σa T0³ / ms इज इक्वल टू 0.001. अच्छा, ms कितना है, ms की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से ये 4E σa आ जाएगा, ठीक है ना, कैसे, ये हो जाएगा 4E σa T0³, है ना, इज इक्वल टू 0.001 इंटू ms 4200, तो ये हो जाएगा 4.2. ये ठीक है, ये 4.2 इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 4.2 इंटू डेल्टा टी. सो नाउ व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू 35 / 4.2. देखो 4 होता ना तो 8 टाइम ज़्यादा 32 हो जाता, तो ये 8.33 आ जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.